हेलो एंड वेलकम टू सी एस सी जम्मू यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डेटा वैलिडेशन के ऑप्शन को यूज़ करेंगे और देखेंगे कि कैसे डेटा वैलिडेशन आपके लिए इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हेल्पफुल हो सकता है। तो हम एक सैम्पल के लिए असाइनमेंट क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम डेटा वैलिडेशन के ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। हेडिंग्स बना रहा हूँ, सीरियल नंबर, देन एम्प्लॉय नेम। कुछ एम्प्लॉय के डेटाबेस को हम यहाँ कलेक्ट करके रख रहे हैं, तो उसके लिए हमने एक सीरियल नंबर हेडिंग बना ली है, एक एम्प्लॉय नेम की हेडिंग बना ली है, एक हमने सपोज उसके फादर नेम की हेडिंग बना ली है। और ऐसे ही हम एक हेडिंग बना लेंगे, उसकी एज क्या है, उसका जेंडर क्या है। ये कुछ ऐसी हेडिंग्स मैंने यहाँ पे क्रिएट कर ली हैं और यहाँ पे मोबाइल नंबर भी उसका रख लेंगे। तो ये सैंपल के लिए मैंने कुछ यहाँ पे हेडिंग्स बनाई हैं, इनको यहाँ पे हम एंटर कर सकते हैं। कुछ 5-6 एंट्रीज में कर लूँगा। 1 और 2 लिखने के बाद आपको पता है, अब इनको सिलेक्ट करके यहाँ पे पॉइंटर लेके जाएं, क्लिक करके नीचे ड्रैग करें तो ऑटोफिल के फीचर के साथ आप यहाँ पे मल्टीपल एंट्रीज भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ 5 एंट्रीज कर ली हैं। थोड़ा साइज़ डिक्रीज़ कर देता हूँ। एम्प्लॉय नेम में कुछ एम्प्लॉय के नेम एंटर कर देता हूँ यहाँ पे। इसके बाद हम यहाँ पे फादर नेम की कुछ एंट्रीज कर देंगे। इसको सिलेक्ट करके हम बोल्ड कर लेते हैं और सेंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ डेटाबेस को मैंने एंटर कर लिया है। सैंपल के लिए यहाँ पे मोबाइल नंबर, मैं कुछ मोबाइल नंबर की भी एंट्री कर देता हूँ। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे एक मोबाइल की एंट्रीज भी कर ली है। सो हमारा डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे हम कुछ इसको ऑप्शंस को यूज़ करके देखेंगे कि कैसे डेटा वैलिडेशन इस पे चलती है। हेडिंग को हम सिलेक्ट करके कोई बैकग्राउंड कलरिंग कर सकते हैं, वैसे ही मेन डेटा बेस पे भी हम यहाँ कोई कलर अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्ट करके इसको मैं यहाँ बॉर्डर अप्लाई कर लूँगा, ऑल बॉर्डर्स यहाँ पे रख लिया और इसका थोड़ा साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी एक लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। सीरियल नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, फादर्स नेम है, एज है और जेंडर। अब डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन हम यहाँ पे एज के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो बेस्ट एग्जांपल रहेगी डेटा वैलिडेशन को समझने के लिए, इसके होल नंबर के ऑप्शन को समझने के लिए। जैसे कि सपोज़ आपको कहा जाता है कि जो एज यहाँ पे आपको एंटर करनी है वो मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 65 ईयर्स की होनी चाहिए। तो इस रेंज के बीच में ही आपको यहाँ पर एज एंटर करनी है। उससे ज़्यादा की अगर आप एज एंटर करते हैं तो आपको एक एरर आना चाहिए। जैसे क्योंकि अगर मैं यहाँ पर अभी एंटर करता हूँ, जैसे मैं लिख दिया 17 एंटर करता हूँ तो ये एंटर हो रहा है। वैसे 66 लिखता हूँ एंटर हो रहा है, 68 लिखता हूँ एंटर हो रहा है। सो मीन्स 18 से नीचे भी डेटा एंटर हो रहा है, अगर 18 लिखूँ तो वो भी एंटर हो रहा है। सो आपको एक ऐसा कंसेप्ट बनाना है कि जिसमें आप 18 से नीचे की अगर कोई एज एंटर करें तो एरर आ जाए और 65 के ऊपर की एंटर करें तो एरर आ जाए। उसके लिए हम डेटा वैलिडेशन को यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर डेटा के ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर आपको एक डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपने क्लिक करके यहाँ डेटा वैलिडेशन पे क्लिक कर लेना। आपके सामने ये इस वे से पॉपअप विंडो आ जाएगी। यहाँ पे आपको ये सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा होगा फर्स्ट वाला, इसी पे क्लिक कर लें। नीचे एनी वैल्यू है, इसके एरो पे क्लिक करके आपको होल नंबर को सिलेक्ट करना है फ्रॉम द लिस्ट। यहाँ पे डेटा पूछेगा बिटवीन, यहाँ पे हमें बिटवीन की ही रिक्वायरमेंट है, और भी कुछ ऑप्शन हैं लेकिन हम बिटवीन को ही रखेंगे। और यहाँ पे लिख लेंगे मिनिमम कितना चाहिए। मिनिमम मैं यहाँ पे 18 लिख लूँगा और मैक्सिमम लिख लूँगा 65। इतना लिखने के बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे हम एज को एंटर करके चेक करेंगे कि डेटा वैलिडेशन वर्क कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे एज पे सबसे पहले तो मैं 18 लिखता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सपोर्ट कर रहा है। 50 लिखा है, सपोर्ट कर रहा है। अब 18 से कम लिख के देखते हैं कि क्या चीज़ होती है। मैंने 16 लिखा, एंटर किया, तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने 16 को एंटर किया तो यहाँ पर आपके सामने एक यहाँ पर एरर मैसेज आ गया था, वैल्यू यू एंटर्ड इज़ नॉट वैलिड, और यहाँ पे ये वैल्यू रिस्ट्रिक्शन है ये यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है। रीट्राई पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। मैंने 25 किया तो ये वर्क कर रहा है। वैसे अगर मैं 65 करता हूँ तो वर्क कर रहा है। अगर 65 से ऊपर 66 भी कर लूँ, एंटर करूँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके लिए भी एरर मैसेज आ जाएगा। सो इस वे से आप डेटा वैलिडेशन को एज या किसी और ऐसे कंसेप्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। एज एक बेस्ट एग्जांपल है, इसलिए हमने एज के कंसेप्ट को ही यूज़ किया है डेटा वैलिडेशन के इस फर्स्ट ऑप्शन को यूज़ करने के लिए। यहाँ पे एक और चीज़ आ सकती है, वो है एरर मैसेज का कंसेप्ट डेटा वैलिडेशन पे। जब आप डेटा यहाँ पे, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, पहले डेटा वैलिडेशन के इस फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने देखा कि मिनिमम हमने 18 लिया, मैक्सिमम 65 लिया। यहाँ पे अभी बाय डिफ़ॉल्ट कोई इनपुट मैसेज आ रहा था। यहाँ पे आप चाहें तो इनपुट मैसेज आप खुद भी लिख सकते हैं। इनपुट मैसेज जो है वो अगर आप इस पे सेल पे क्लिक करते हैं तो आपको बताएगा कि आपको यहाँ क्या चीज़ एंटर करनी है। टाइटल में लिख देता हूँ, एंटर्ड वैल्यू करके मैंने लिख दिया ऐसे टाइटल, और इनपुट मैसेज में लिख दिया है काइंडली
एंटर द एज बिटवीन 18 to 65 years. तो ये हमने खुद एक एंटर्ड इनपुट मैसेज क्रिएट कर लिया है. आप ये यूज़र डिफाइंड है, आप कुछ भी इसमें लिख सकते हैं, वर्डिंग ओके कर ले. अब आप देखते हैं, जैसे मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो ये बता रहा है एंटर्ड वैल्यू काइंडली एंटर द एज बिटवीन 18 and 65. तो जैसे आप इन पांच साल में से किसी पे भी क्लिक करेंगे तो आपको यही यहाँ पे एक इनपुट मैसेज दिखेगा, जिससे आपको ये भी जजमेंट हो सकती है कि आपको 18 से 65 के बीच में एक वैल्यू को एंटर करना है. अगर आप वैसे ही एंट्री करते रहेंगे तो कोई भी एरर इसमें नहीं आएगा और ये प्रॉपरली वर्क करेगा. और एक और चीज़ हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, वो है एक एरर अलर्ट क्रिएट करना. जैसे कि अगर अभी मैं 68 डेट डालता हूँ तो ये जो एरर अलर्ट आ रहा है ये प्री डिफाइंड है, जो पहले से लिखा हुआ है इसमें है एक्सेल में. लेकिन आप खुद यूज़र डिफाइंड एरर अलर्ट भी डाल सकते हैं. उसके लिए आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करके वही डेटा वैलिडेशन पे चले जाना है. वो यहाँ पे आपको सेटिंग्स के बाद इनपुट मैसेज दिखा था, उसके बाद एरर अलर्ट दिखेगा. एरर अलर्ट पे आपको कुछ स्टाइल्स दिखते हैं, जैसे कि स्टॉप का ऑप्शन है, वार्निंग का ऑप्शन है और इन्फॉर्मेशन का. हम इसे स्टॉप ही रख सकते हैं, बाकी आप चाहें तो कोई और भी सिलेक्ट कर सकते हैं. टाइटल लिख दूंगा यहाँ पे रॉन्ग वैल्यू, आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं. और एरर मैसेज में लिख दूंगा एंटर्ड वैल्यू इज रॉन्ग, प्लीज एंटर द वैल्यू बिटवीन 18 to 65. ठीक है, ये एरर अलर्ट हमने क्रिएट किया, ओके किया. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और अगर हम यहाँ पे कोई भी ऐसी वैल्यू लिख लें जो कि इस रेंज से बाहर हो तो आपको क्या एरर आएगा वो देखेंगे. 70 लिखा, एंटर किया, आप देख सकते हैं आप क्या आया यहाँ पे, जो रॉन्ग एरर अलर्ट आया वो क्या आया, रॉन्ग वैल्यू, क्योंकि हमने अभी ये खुद क्रिएट किया है. और जो मैसेज क्या आया, एंटर्ड वैल्यू इज़ रॉन्ग, प्लीज़ एंटर द वैल्यूज़ बिटवीन 18 to 65. यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको हम ठीक कर लेंगे. सो इस वे से ये डेटा वैलिडेशन पे चीज़ें काम करती हैं होल नंबर के कंसेप्ट को यूज़ करके. तो इसमें हमने ये पहला ऑप्शन यूज़ किया सेटिंग में होल नंबर का, जिसमें मिनिमम मैक्सिमम यूज़ किया, इनपुट मैसेज को भी यूज़ किया और एरर अलर्ट को भी यूज़ किया है. इसके रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसके डेफिनेटली आंसर करने की ट्राई करेंगे. इसके बाद एक और तरीके से डेटा वैलिडेशन यूज़ होता है, वो है कि जैसे आपको यहाँ पे जेंडर की रिक्वायरमेंट है और यहाँ पे आपको अगर आप चाहें यहाँ पे आपको एक एक करके लिखना पड़ रहा है, अगर आप चाहें तो एक लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं जिसमें से आप एक एक करके उसे सिलेक्ट कर लें. सो डेटा वैलिडेशन के थ्रू ये लिस्ट भी क्रिएट की जा सकती है, वही ऑप्शन हम यूज़ करेंगे. इसको सिलेक्ट कर लें और डेटा वैलिडेशन पे यहाँ डेटा वैलिडेशन के फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करें. यहाँ पे आपको पूरे के पूरे अलो के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस की लिस्ट दिखेगी. यहाँ पे आपको लिस्ट पे क्लिक करना है और सोर्स आपसे पूछा जाएगा. तो सोर्स में आपको क्या लिखना है, यहाँ पे मेल कॉमा फीमेल, क्योंकि इस लिस्ट में हमें दो ही चीज़ें चाहिए. तो सिंपल था, यहाँ पे ऑप्शन जो है वो लिस्ट का सिलेक्ट किया और सोर्स में लिख दिया मेल कॉमा फीमेल, ओके कर दिया. अब आप यहाँ पे क्लिक करके देखेंगे एरो आ जाएगा. अगर आपको मेल की एंट्री सिलेक्ट करनी है तो मेल सिलेक्ट कर लें, अगर यहाँ पे फीमेल की एंट्री सिलेक्ट करनी है तो फीमेल की एंट्री सिलेक्ट कर लें. इस वजह से आपके पास ये ड्रॉप डाउन लिस्ट का ऑप्शन सेल्स में आ जाता है और ये भी आप इजीली डेटा वैलिडेशन के थ्रू यूज़ कर सकते हैं. काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी ऐसे फीचर्स हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं और आपके टास्क को ईजी कर सकते हैं. कुछ चीज़ें आप यहाँ पे अट्रैक्टिव भी बना सकते हैं अपनी शीट के अंदर, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी इन फ्यूचर अगर आप यही एंट्रीज मल्टीपल पर्सन की करने वाले हैं. इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल्स के लिए.